हम चले हैं ये पहाड़ी वाले मंदिर, और ये है दुर्गा माँ का एक मंदिर जहाँ पर मैं और मेरे मामा की लड़की दीक्षा और मेरा भाई शिवम और मेरी मामी और मामा जी लोग सब मिल करके इस मंदिर जा रहे हैं। ये मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है अंदर से। सो ये सब आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मंदिर की सीढ़ियाँ। इसे पहाड़ी वाला मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काफी ऊंचाई में है, लगभग 108 सीढ़ियां हैं जो कि खड़ी सीढ़ियां हैं यहाँ पे। सो अब हम इस मंदिर के अंदर जाकर के देखेंगे, पहले तो हम लोग सीढ़ियां चढ़ेंगे तो देखते हैं किसमें कितना है दम, है ना दीक्षा? और दीक्षा तुम कैसे फील कर रही हो, कितने दिनों बाद आई हो यहाँ पे? कितने दिन? फिर भी 4-5 महीने बाद आ रही हो। अच्छा नवरात्रि में आई थी क्या? अच्छा सो अब चल रहे हैं हम लोग सीढ़ियां चढ़ने, देखते हैं कितना टाइम लगता है इन सीढ़ियों को चढ़ने में। जय माता दी। हम लोग इतनी सीढ़ियां चढ़ चुके हैं, कितना सुंदर ग्रीनरी है यहाँ पे। ये मेरे नानी के घर के पीछे का मंदिर है, इतनी सीढ़ियां बची हुई हैं और सांस जो है वो बहुत ही तेज तरह से फूल रही है। चक्कर में गिर ना जाऊं। ये देखिए पीछे का नजारा। हम लोग पूरी सीढ़ियां आप चढ़ चुके हैं, आप देख सकते हो कितना जगह है नीचे। और ये स्कूटी में शिवम मामी लोगों को लेके आ रहा है, वो पीछे की तरफ पूरे गांव के खेत वगैरह दिख रहे हैं। कुछ देर पहले बारिश हुई थी इसलिए खेतों में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। ये है टेंपल के ऊपर वाला हिस्सा, ये बहुत ही पुराना पेड़ है। किस चीज का पेड़ है वैसे ये? हाँ हम दोनों को ही नहीं पता है कि ये पेड़ है किस चीज का। ये छोटे छोटे सदाबहार के फ्लावर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ये बोगेनवेलिया लगा हुआ है, ये शंकर भगवान सॉरी माता रानी के दो शेर हैं, और ये एरिया है जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। अंदर से दिखा देते हैं मंदिर को। बायलक हमारे भाग्य के कारण जो मंदिर है वो खुल चुका है, सो हम लोग अब अंदर से भी मंदिर को देखने वाले हैं। ये है नंद महल की महारानी दुर्गी, उन्होंने भोग चढ़ा हुआ है। जय मां शिवा। ये दिख रहा है पूरा खेत एंड पूरा गांव। इस पहाड़ी पर चढ़ने के बाद हमें ऑलमोस्ट पूरा गांव नजर आ रहा है। वो झील है, ये सब हमारे खेत, मतलब उनके बीच में हमारा खेत। कहाँ झील है ये? अरे हाँ यार राइट, ये यहाँ पर झील दिख रही है। बहुत शायद मुझे जूम करनी पड़ेगी ये यहाँ से। हाँ और अगल बगल पूरे गांव है और ये पूरा इलाका है। सो ये है हमारी मामी, इनका नाम है अमिता, और ये जो है राकेश मामा वाली मामी है। सो मामी ये बताइए कि आप इस टेंपल में कितनी बार आ चुकी हैं? टेंपल में मैं
अच्छा, और अभी यहाँ पे कितने दिनों बाद आ रही हैं अभी फिलहाल? हाँ, अच्छा, यहाँ पे नवरात्रि में सजाया जाता है ना? नवरात्रि में बहुत सजाया जाता है, बहुत सुंदर लगता है ना। और ये जो जगह जिसमें अभी मामी खड़ी हुई है, यहाँ पे दुर्गा माता का पंडाल बैठता है और यहाँ पे माँ दुर्गा बैठती हैं। अच्छा, यहाँ पे मेला लगता है, आप आती हैं इस मेले में? वो सामान की अच्छा सामान की खरीदारी भी करनी पड़ती है या ऐसे अच्छा हाँ। सो गुनगुन, तुम कितने बार आ चुकी हो यहाँ पे? तीन से चार बार आ चुकी हो। ऐसे कभी खेलने आई हो यहाँ पे? नहीं आई कभी खेलने, क्यों? अच्छा हाँ, दूर पड़ता है गांव से, सही बोला। सो अभी आओगी यहाँ पे? साथ में आएंगे, किसी के अकेले तो नहीं आ पाएंगे। जंगल के बीच में है मंदिर। हाँ सही बात है। और ये दीक्षा और शिवम जो है, ये मुआयना कर रहे हैं पूरे मंदिर का।